तो जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि रिश्ते को टेस्टिंग के दौरान दिखा गया है KTM Duke 390 के एक न्यू जनरेशन वाला मॉडल को। और अभी के डेट में ना ऐसे न्यू वाले मॉडल के ही पावर एंड फीचर्स के बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी सामने आए हैं, जो कि आपको आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूँ अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि रिश्ते के ऊपर टेस्टिंग के दौरान चल रहा है KTM Duke 390 के एक न्यू जनरेशन वाला मॉडल। और अभी के डेट में ना इसी न्यू जनरेशन वाले मॉडल के बारे में कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ अभी इन्फॉर्मेशन आया है कि इसके अंदर हमें जो पेरीमीटर फ्रेम इस बार का देखने को मिलने वाला है, तो वो पहले के मुकाबले इस बार का थोड़ा सा ज्यादा ही अपडेटेड वाला एक पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिलने वाला है। और उसके ही साथ साथ इसी वीड़ियो के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे इसी KTM Duke 390 के इसी न्यू जनरेशन वाले मॉडल के अंदर जो आपको डिस्क प्लेट जो देखने को मिल रहा है ना, तो वो भी अभी एक न्यू डिजाइन वाला देखने को मिल रहा है। मतलब कि अभी ये जो डिस्क प्लेट वाला जो सीन है ना, तो ये अभी पहले के मुकाबले और थोड़ा सा ज्यादा ही अभी लाइट वेट वाला जो है तो वो बन चुका है। और बाकी तो इसी KTM Duke 390 के भी इसी न्यू जनरेशन वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो ब्रेकिंग सिस्टम, तो वो है सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विथ डुअल चैनल ABS वाला भी फीचर, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कॉर्नरिंग ABS वाला जो चीज है तो वो भी। और बाकी तो अभी के रेट में कुछ ऐसा भी बोला कि ये जो KTM Duke 390 का जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर हमें जो अभी मीटर कंसोल देखने को मिलने वाला है, तो वो एक के पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूव्ड एक मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, मतलब TFT कलरफुल डिस्प्ले वाला, जिसके अंदर तो अभी कुछ ऐसा ही बता जा रहा है कि ये जो नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो फीचर्स है तो वो भी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ और भी कई सारा कुछ चीजें, मतलब यही अभी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ इसी न्यू जनरेशन वाले ड्यूक के भी अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप, तो वो भी पहले की तरह ही LED के अंदर अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और उसके हिसाब से अभी ये वीडियो के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे कि इसी न्यू जनरेशन वाले ड्यूक के अंदर आपको जो ये सामने हेडलाइट वाला जो पार्ट है ना, तो वो अभी थोड़ा सा एक न्यू शेप का दिखाई दे रहा है, मतलब इसी वीडियो के अंदर। और इसके अलावा अभी के डेट में तो कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि इसी न्यू जनरेशन वाले 390 ड्यूक के अंदर भी आपको जो ये इंजन देखने को मिलेगा ना, तो वो भी एक DOHC वाला 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो की 373 cc वाला है। और इसके हिसाब से ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करेगा, तो वो अभी कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि 43 BHP तक का आपको देखने को मिलने वाला है मैक्सिमम पावर इसी बाइक के ही इसी इंजन के अंदर। और उसके ही साथ ये वाले इंजन के तरफ जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा, तो वो है 37 Nm। बाकी तो इसी इंजन के तरफ को देखने को मिलेगा 6 स्पीड का गियर बॉक्स। और उसके ही साथ अभी तो कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसी बाइक के इसी इंजन के तरफ को देखने को मिलेगा असिस्टेंट स्लीपर क्लच का भी सपोर्ट। और उसके ही साथ ये वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने USD फोक्स और पीछे व्हाइट कलर का मोशॉक एब्जॉर्बर। और बाकी तो इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ न्यू और बेहतरीन सा कुछ कलर्स ऑप्शन, मतलब बहुत सारा कुछ कलर्स ऑप्शन, जो कि सच में ही काफी ज्यादा कमल का तो होने ही वाला है। और उसके ही साथ ये जो बाइक है ना, तो ये अभी के डेट में तो कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि इसी 2022 साल के अंदर अंदर इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो सकता है। और अगर डिले भी होता है ना, तो वो भी 2023 साल के ही शुरुआत में ही लॉन्च हो सकता है इसी इंडियन मार्केट में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।